प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले ये तारों की हालत देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ दूसरा मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। मैं कहने का मतलब 4, 5, 6, 7 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ इस केबल की हालत देखिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और भी आगे लेके चलता हूँ। अगर आप कहें कि ये न्यूट्रल है तो चलें ठीक है, मान लेते हैं। इस केबल की हालत देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए जिस तरीके से इसको इंसुलेट किया गया। ये कप लिफाफा प्लास्टिक का और फिर खुले तारें। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे देखिए, इस तार की हालत देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। इसकी हालत देख लीजिए, यहाँ खुली तारें। और उसके बाद यहाँ पे जो सिचुएशन है ये देखें, और फिर यहाँ पे इंसुलेशन की हालत देख लें, वहाँ देख लीजिए। ये सब सिस्टम में बिजली इस वक्त मौजूद है, और कोई भी बंदा इसको अगर हाथ लगाएगा तो उसकी जो हालत होनी है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। और ये इस वक्त मैं किसी और जगह नहीं बल्कि पेशावर सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको कैमरा करके दिखाता हूँ पीछे की बिल्डिंग भी, ताकि आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए। ये मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ सारे इलाके को, ताकि आपको नज़र आए कि यहाँ ये हालत है। तो ये इंसानी जान की यहाँ पर ये कदर है और ये वैल्यू है इंसान की, कि यहाँ कोई भी आने वाला शख्स इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता है और उसको शॉक लग सकता है और वो मर सकता है। तो ये हमारी हालत है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज़अप में, ताकि आप देख सकें कि ये इलाका पेशावर सेक्रेटेरिएट का है। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया भाइयों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हालत इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर इंसान रहा जाए। इंसान रख के रहने के काबिल नहीं है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।